अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना यह है बॉन्ड लेंथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कम इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बॉन्ड लेंथ, गिव एग्जाम्पल। डिफाइन बॉन्ड लेंथ, ऑन विच फैक्टर बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन। नेक्स्ट एक इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस करैक्टर ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे एस करैक्टर का क्या फर्क पड़ता है, ये एस करैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं ना, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और इस टॉपिक को कम से कम हम इतना लिख लेंगे और इतना समझ लेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम सुकून के साथ लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकोगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है, कहता है अगर दो एटम आपस में जुड़े हो, ये एक एटम, ये एक एटम, ये दो एटम आपस में जुड़े हो, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा हो, तो इन दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। ये डेफिनेशन है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, अगर दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की ही बात करेंगे। हेडिंग दे दो, डेफिनेशन, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान के एवरेज डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ का नाम दिया जाता है। बट इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे यूनिट की। जो ऐसा यूनिट है ना बॉन्ड लेंथ के लिए अमूमन यूज किया जाता है वो पिकोमीटर, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे यूनिट हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर का भी बाज ऑफ इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज बॉन्ड लेंथ इज पिकोमीटर, पिको मीटर, और पीको की वैल्यू आपको पता है 10^-12 मीटर होती है। अदर यूनिट्स आर एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू होती है 10^-9 मीटर, और एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स के बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है एग्जांपल्स। अगर बच्चे इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, दो एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले एग्जांपल, द बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, किसकी, द बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 is, क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, दो एटम अगर क्लोरीन के आपस में जुड़े हुए उनके दरमियान में जो फासला होगा वो होगा हमारे पास 198 पिकोमीटर। इसके बाद द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन इज 154 पिकोमीटर। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। यह आगे हमारे पास एग्जांपल। एग्जांपल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है मेयरमेंट। अब बॉन्ड लेंथ को मेयर किस तरह करते हैं, मेयरमेंट, मेरे बॉन्ड लेंथ को मेयर करने के लिए फिजिकल मेथड ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें चाहते हैं फिजिकल मेथड का नाम बता देता हूँ, एक्सरेज डायफ्रेक्शन मेथड। अगर फिजिक्स का एक लाइट वाला चैप्टर है उसमें एक इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन,
शायद आपने पढ़ी हो, वो ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए ही यूज़ की जाती है। उसमें कोई आयनिक सॉलिड लेते हैं, उसके ऊपर एक्सरेज गिराते हैं, एक्सरेज गिराने के बाद कितने डायफ्रेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करते हैं, वहाँ से ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ करके हम वहाँ से बॉन्ड लेंथ आसानी से मेजर कर लेते हैं, सही। तो उसको कहते हैं एक्सरेज डायफ्रेक्शन मेथड, बेसिकली वो होता है बॉन्ड लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके जरिए से हम अमूमन बॉन्ड लेंथ मालूम करते हैं? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है वो है एक्सरेज डायफ्रेक्शन मेथड। और इसके अलावा ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक टेक्निक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों को यूज करके हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला तरीका कार है ये ज्यादा कॉमन है, एक्सरेज डायफ्रेक्शन मेथड, ये ज्यादा कॉमन है। बट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो है डिपेंडेंस। बॉन्ड लेंथ दो एटम के दरमियान, के न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड ऑन पहले नंबर पर, दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दो एटम के दरमियान डिफरेंस आएगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी, सही है। तो पहला जी जो फैक्टर वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना फर्क है, ये पहला फैक्टर है। सेकंड जो फैक्टर है ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान में कितने बॉन्ड है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ। और लास्ट वाला जो तरीकाकार है ये है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। इसको भी हमने डिस्कस करना है, सिर्फ अभी लिखो ये दो पॉइंट है ना, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। अब नेक्स्ट हमने एक बात छोटी सी लिखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड कोवलेंट रेडियस। चैप्टर के स्टार्ट में हमने ना आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ये तीन टर्म हमने पढ़ी हुई है। हमने यहाँ पे देखना है कि बॉन्ड लेंथ का और कोवलेंट रेडियस का आपस में क्या ताल्लुक है। एक सिंपल सी बात डायरेक्ट मैं लिखूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ के दरमियान में क्या फर्क, रिलेशनशिप बॉन्ड लेंथ एंड कोवलेंट रेडियस। एक सिंपल सी बात लिखूंगा, बच्चे कहते हैं जी जो बॉन्ड लेंथ है ये सम टाइम एडिटिव नेचर शो करता है। बॉन्ड लेंथ शोज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास दो आइटम आपस में जुड़े हुए हैं, ये सपोज करता हूँ ये क्लोरीन का आइटम है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन का आइटम। ये किसके आइटम है, हमारे पास कार्बन का आइटम है। एडिटिव नेचर को समझिएगा बच्चे, दो क्लोरीन आइटम आपस में जुड़े हो ना, अगर दो क्लोरीन आइटम आपस में जुड़े हैं तो उनका फासला होता है दरमियान में 198 पिकोमीटर। और अगर दो कार्बन आइटम आपस में जुड़े हो तो इन दो आइटम के दरमियान का फासला होगा 1
54 पिकोमीटर। यहाँ से एक क्लोरीन एटम का कितना फासला होगा, सिर्फ एक क्लोरीन एटम का, उसको कहेंगे कोवलेंट रेडियस, आधा कर देंगे, आधा कितना बनेगा 99, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोरीन का है फासला 99 पिकोमीटर। और कार्बन का कितना बनेगा 77 पिकोमीटर। कहता अगर आप कोवलेंट रेडियस से कोवलेंट रेडियस जो एटम का है उसको ऐड करते हो तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाती है। लेकिन मैं ये बात जनरली लिख रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ शोज एडिटिव प्रॉपर्टी सच एज, मैं एग्जांपल देने का, सच एज बॉन्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर, कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज 99 पिकोमीटर और कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज 77 पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर। द बॉन्ड लेंथ, अगर यहां पे बॉन्ड लेंथ की बात की जाए किसके दरमियान की, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज इक्वल टू, यह बराबर होगी किसके बराबर होगी जरा गौर कीजिए, इक्वल टू इन दोनों का सम करने पे 99 प्लस 77 पिकोमीटर इज इक्वल टू 176 पिकोमीटर। यह बात एक छोटी सी एक्सप्लेन की गई है कि अगर आपको कोवलेंट रेडियस पता है आप उनको ऐड करोगे तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ सकती है। लेकिन जो आगे एक और बात कही जा रही है बच्चे, ये हमेशा काम, ये ट्रिक काम नहीं करती। बाज ऑफ आप एटम का एटॉमिक रेडियस को जमा करते हो, हमारे पास बॉन्ड लेंथ आती नहीं है, कम होती है ज़्यादा होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज, द एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है ये हर बार काम नहीं करेगी, आर नॉट ऑलवेज वर्क, ऑलवेज वर्क ये कभी काम करती है लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये काम कर जाती है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा। अच्छा बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस में हमने पहली जो बात कही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बारे में ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, अगर एक सिंपल सी बात याद रखें अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का फर्क जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, हेडिंग दे दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। भाई जितने एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के क्या हमारे पास इन्वर्सली पोर्शन है। जी बनाया नहीं जा रहा, बॉन्ड लेंथ जो है नंबर ऑफ बॉन्ड अगर दो एटम के दरमियान में मौजूद जितने भी होंगे वो बॉन्ड लेंथ के क्या है इन्वर्सली पोर्शन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये एक एग्जांपल है, चेक कीजिएगा यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्केन, और पढ़ा हुआ ये अल्केन अल्कीन और अल्काइन पढ़ा हुआ, अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान में
डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही, ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मैं सबसे पहले कार्बन कार्बन के दरमियान का सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान का ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले कहेंगे अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को कहेंगे अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहेंगे अल्काइन। यहाँ पर क्लास मैंने लिखी है, सही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ या बॉन्ड लेंथ की हेडिंग दे देता हूँ, बॉन्ड लेंथ। अब चेक कीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग दे दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पे चेक करो, कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है सिंगल, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है डबल, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है सिंगल तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये है 154 पिकोमीटर, अगर डबल आता है तो 134 पिकोमीटर और अगर ट्रिपल आता है तो ये होता है 120 पिकोमीटर। यही बात हमने ऊपर लिखी हुई है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड लेंथ ऐसा ऐसा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसे हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है। विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम the bond length will decrease, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, तो ये बात आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वह है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर ऑन बॉन्ड लेंथ। सही है, परसेंटेज इफेक्ट ऑफ परसेंटेज, इसको थोड़ा सा इस साइड से रेज कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। भाई यहाँ पर एक सिंपल सी पहले बात बताता हूँ, एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो पहले लिख लेते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन द परसेंटेज एस करेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ये टेबल किस तरह का बनेगा, ज़रा इसको बनाना सीख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरह एक टेबल बनेगा जिसमें तीन चीज़ें लिखनी है, एक दो तीन, यहाँ पे तीन कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखूँगा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मतलब हमारे पास तीन क्लासें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको खुसूसन डिस्कस करते हैं, अल्केन और लास्ट वाली जो चीज़ है वल्काइन है। अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा सिंगल, अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आएगा डबल और अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आएगा ट्रिपल अल्काइन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बात करने लगा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हेडिंग नेक्स्ट बनेगी क्या, हाइब्रिडाइजेशन। बट
आपको पता है लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड सारे के सारे होते हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, और हमने इसकी एग्जांपल पीछे की हुई है हाइब्रिडाइजेशन में, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, अल्केन है, ईथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अल्कीन है, और इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है और ये अल्काइन है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन एस करैक्टर कैसे निकालते हैं, इधर देखो, एस करैक्टर निकालना सीखिएगा। मैं sp2 या sp3 में एस करैक्टर निकालना चाहता हूँ, sp2 में निकालना चाहता हूँ। एस करैक्टर निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल ऊपर रखो, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल ऊपर रखो, टोटल ऑर्बिटल नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। क्या देखो, यहाँ पे एक कैसे और दो पी हैं, एक कैसे और हमारे पास कितने पी हैं, दो पी हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, एक एस दो पी तीन, यहाँ पे चेक करो एस कितने हैं, एक ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 33%। कितना आएगा, 33%। यहाँ पे आएगा एस करैक्टर, परसेंटेज एस करैक्टर लिख लो, परसेंटेज करैक्टर 33% है। अब सॉरी, ये तो sp2 का है 33%, ये sp2 का है 33%। अब sp3 का निकाल के देखो, देखते हैं sp3 में, देखो सब में s तो एक है, ऊपर एक रहेगा, लेकिन नीचे ऑर्बिटल कितने टोटल, देखो टोटल कितने बनेंगे, एक s है, तीन p हैं, चार, 25%, कितना बनेगा 25%। अब sp में आ जाओ, s एक है और ओवरऑल कितने हैं, दो हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 50%। बाकी यहां पे हमने लिखा है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड अल्केन है, तो बॉन्ड लेंथ इतनी, अल्कीन है तो इतनी है, अल्काइन है तो इतनी है, सेम उठा के यहाँ पे लिखूंगा 154 पिकोमीटर अगर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो 134 पिकोमीटर, अगर कार्बन कार्बन की तरह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आएगी 120 पिको मीटर। तो ये था जी हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एस करैक्टर, जहाँ पे हमने वादा कर दिया कि देखो एस करैक्टर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ ऐसा ऐसा कम हो रही है, और यही बात हमने ऊपर लिखी है कि एस करैक्टर और बॉन्ड लेंथ के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है हमारे पास, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है बच्चे, वो है पीरियोडिक ट्रेंड, टू द पॉइंट, एक एक बात लिखेंगे खत्म कर देंगे अभी, पीरियोडिक ट्रेंड्स। मैं सबसे पहले बात करेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अगर आपको एटॉमिक रेडियस का आता है ना पीरियोडिक ट्रेंड, सेम पीरियोडिक ट्रेंड इसका है। देखो एटॉमिक रेडियस हमने क्या कहा था, लेफ्ट राइट जाते थे, ऐसे ऐसा एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास बॉन्ड लेंथ भी, एटम क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी होगी। सही, जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एटम का रेडियस कम हो जाता है, एटम का साइज क्या हो जाता है, कम। द बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज्ड, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है when we move from left to right, from left to right in the periodic table, in the periodic table, periodic table जब हम left right move करते हैं तो bond length कम हो जाती है। मैं example देता हूँ, मैं सपोज करता हूँ ये वाली बॉन्ड लेंथ है कार्बन की और ये वाला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम होगी और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसका इन्वर्स भी कह सकते हैं, कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है नाइट्रोजन की कम होगी। द सी सी बॉन्ड लेंथ इज लार्जर
देन एन एन बॉन्ड लेंथ। अब एक और चीज वो है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या इफेक्ट होगा बॉन्ड लेंथ पे। देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज ऐसा ऐसा बढ़ता है, अगर एटम का साइज ऐसा ऐसा बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, व्हेन वी मूव फ्रॉम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज्ड। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। मसलन ये सपोज कर लो सोडियम है और ये सपोज कर लो पोटाशियम है, पोटाशियम की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है सोडियम की, इस वक्त ये एग्जांपल आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ पोटाशियम इज लार्जर देन द किसके मुकाबले में ज्यादा है, सोडियम की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। तो ये था जी हमारे पास बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक, कम से कम हमने इतना तो लिख लिया कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आप इसमें एक आधी चीज़ स्किप भी कर दोगे तो भी आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सारी चीज़ें नहीं कर सकता, मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा सारी चीज़ें नहीं कर सकता वो कम से कम यहाँ तक करेगा, कम से कम जैसे छोड़ दो ये सारी चीज़ें छोड़ दो कोई मसला नहीं। अगर कोई बच्चा फिर नहीं कर सकता मैं फिर कह रहा हूँ डेफिनेशन यूनिट एग्जाम्पल मेजरमेंट डिपेंडेंस तक कर ले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता इतना लिख दे आपको चार में से तीन नंबर दे देगा। लेकिन अगर सारे लिखते हो तो फिर तो आपके पास एग्जामिनर के पास किसी जगह मौका ही नहीं होगा ना किसी जैसे नंबर काट सके। सही, तो ये बॉन्ड लेंथ को देख लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बता दिया क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट, जो अच्छा बच्चा है वो तो सारी की सारी चीज़ें करें, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें ये कॉन्सेप्ट के हवाले से हैं, आपके एमडी कैट में यहाँ से एमसीक्यू आ चुके हैं कि अगर हमारे पास एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है। यहाँ बॉन्ड लेंथ अगर एस करेक्टर 33% है और एक एलिमेंट का एस करेक्टर 25% है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। सही, तो इस तरह के सवाल पास्ट पेपर में आ चुके हैं, तो बेसिक चीज़ें याद रख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।